नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पिछले 10 सितंबर को इस मुंब्रा बाईपास का उद्घाटन किया गया था। इस मुंब्रा बाईपास का उद्घाटन 3 बार किया गया, 3 लोगों ने इसका अलग अलग तरीके से, किसी ने रात में किया उद्घाटन, किसी ने सुबह में इस बाईपास का उद्घाटन किया। लेकिन इस बाईपास का जो काम हो रहा है, इसका बाईपास का अधूरा काम जो है यहाँ पर हुआ है, जिसका नतीजा आज हमें यहाँ को देखने को मिला है कि यहाँ पर एक कंटेनर जो है पलटी हुआ है और इसका जो ड्राइवर जो है घायल बताया जा रहा है। आज सुबह में यानी करीब 2:30 से 3 बजे के दरमियान यहाँ पर हुआ है ये हादसा। आपको बता दें कि इस बाईपास का जो है मरम्मत कार्य के लिए कई महीनों से बंद था ये बाईपास। 10 सितंबर को इस बाईपास का उद्घाटन हुआ है और आज 6वां दिन है इस बाईपास का, जो यहाँ पर ये पहली दुर्घटना यहाँ पर ये सामने आ रही है। आपको जो बता दें कि इस बाईपास पर जो है कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, पूरा काम यहाँ पर अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन नारियल फोड़ने के चक्कर में सारे नेताओं ने इस बाईपास का जो है उद्घाटन कर दिया है। किसी ने रात के अंधेरे में जो है इस बाईपास का उद्घाटन किया, तो किसी ने दिन के उजाले में नारियल फोड़ा है। आपको दिखा दें, यहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं, यहाँ पर कोई भी सुरक्षा दीवार का इंतजाम नहीं किया गया, कोई भी सुरक्षा दीवार यहाँ पर नहीं उठाई गई। आपको यहाँ दिखा दे पूरा ये जो बाईपास है, यहाँ से कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए, जो यहाँ पर ये बाईपास का जो रोड है ये पूरा यहाँ पर और चौड़ा इसको बनाना चाहिए था, और यहाँ पर जो सुरक्षा दीवार जो है बनाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा दीवार ना यहाँ पर नहीं बनाई गई और ना ही जो है यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट का जो है इंतजाम किया गया। यहाँ पर पिछले जो बाईपास बंद होने से पहले भी यहाँ पर जो है कई बार हादसे हो चुके थे। बाईपास को जो है खुलने के बाद ये पहला हादसा यहाँ पर आज फिर हुआ है। यहाँ पर बाईपास का जो है काम अधूरा है, पूरा काम हुआ नहीं, इसके पहले ही इस बाईपास को जो है उद्घाटन कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, क्या मालूम है, उद्घाटन इसका करना ज़रूरी नहीं था, इसका काम पूरा करना ज़रूरी था। पर क्या है, 2019 आ रहा है ना, चुनाव आ रहे हैं, उस हिसाब से कैसा चुनाव आ रहे हैं, तो लोग गरीबों के प्लेट में पुलाव आ रहा है, ऐसा हिसाब हो गया है। जो कोई ओपनिंग के पीछे है, कभी इसकी मरम्मत पे ध्यान नहीं दिया। ये इस बाईपास के अंदर का मेरा एक वीडियो है कि ये बनाते वक्त इन लोग ने रेती के जगह पे मिक्सिंग मट्टी वाली रेती यूज़ की है, कोई भी रॉयल्टी वाली मट्टी यूज़ नहीं की है, इन लोग ने खराब खाड़ी की रेती यूज़ की है, कुछ जगह पे कम दर्जों का माल यूज़ किया है, पानी नहीं मारा गया है, काम पर इसके पानी भी नहीं मारा हुआ, और इसके मैंने वीडियो देख चुका हूँ। मेरे को कोई भी वीडियो के बारे में पुलिस स्टेशन में बुला के पूछा जाता है, अरे ये वीडियो ऐसा मत दिया करो, तो क्या ये वीडियो मैंने देने के बाद में उन लोग को आके पुलिस को या तो फिर नेताओं को आके देखना नहीं चाहिए था? एक ही बाईपास है और इसका उद्घाटन जो है 3 लोगों ने किया, लगभग 12 घंटे में इसका 3 बार उद्घाटन हुआ, किसी ने रात में किया, किसी ने सुबह में किया, उसके बावजूद इसका बाईपास का अधूरा काम है, ना स्ट्रीट लाइट है और ना ही कोई डिवाइडर है यहाँ पर, जिस तरह से आप यहाँ पर एक हादसा आज हुआ है देख सकते हैं। महज आज जो है सिर्फ 6 दिन हुआ इस बाईपास को चालू। सही बात है, अभी मैं आपको एक बात बता दूं, खाली क्रेडिट और वोट बैंक बनाने की बस राजनीति और कुछ भी नहीं है, इनको बस काम कम और दाम ज़्यादा चाहिए और नाम ज़्यादा चाहिए। मेरे को एक बात पूछता हूँ, इस तरीका का एक गंदा गलत तरीके का गैप इन्वॉल्व, कम दर्जे का काम, यानी कि PWD और नेता लोग ने पैसा खाए बगैर तो बना नहीं। सेकेंड, ये जो इन लोग बोल रहे हैं कि ओपनिंग 3 बार आपने बोल रहे हैं कि किया, ओपनिंग 3 बार करने से नहीं होता, काम पे ध्यान होना चाहिए, काम पूरा हुआ कि नहीं देखना चाहिए था। आज और एक चीज, भारत बंद के दिन इनका ओपनिंग हुआ है, रात के 12 के बाद, सब में पहला तो बंद के टाइम पे अगर जमावबंदी का कोई केस बनता है तो पुलिस ने बना देना चाहिए था, क्यों रुकी है पुलिस? अभी पुलिस गलत लोगों पे झूठे दर्ज के केस मेरे पे भी बना चुकी है, तो 12 के बाद में भारत बनता तो 12 के बाद में इन लोग ने इतना जमाव करके घूम रहे थे, इन पे केस बनेगा कि नहीं बनेगा? इन लोग खाली बैनरबाजी करते हैं, काम नहीं करते, बैनर पे दिखाते ये मैंने काम किया, वो मैंने काम किया, परसेंटेज लेके कम दर्जे का काम नेता और अधिकारी मिलके कर रहे हैं। इस पे आप पत्रकारों ने और हम जैसे समाज सेवकों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इनके जो नकाब है ये नकाब उतार देना चाहिए। बाईपास का अधूरा काम इस तरह से हुआ है कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो बीच का जो है ग्राउंड है, यहाँ पर भी कोई काम इसका नहीं किया गया है और ना ही इस बाईपास पर कोई भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और ना ही कोई सुरक्षा दीवार यहाँ पर बाईपास पर लगाया गया है। सिर्फ नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने अपने नारियल इस बाईपास पर फोड़ दिए हैं। नारियल फोड़ने के चक्कर में जो इस बाईपास से लोग गुजरते हैं, जो भी ट्रक ड्राइवर गुजरते हैं, उनकी जिंदगियाँ जो है दांव पर लगी हुई हैं। यहाँ से जो है गाड़ी आई हुई है यहाँ पर सीधा इस तरह से आते वक्त यहाँ पर एक गहरी जो है एक नाला बह रहा है, उसी नाले में ये
जो है गाड़ी जो है जाकर गिरी और इसका ड्राइवर जो है जख्मी हुआ, इसका क्लिंजर भी था वो भी जख्मी बताया जा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार की जो है कड़ी मांग की जा रही है, लेकिन सुरक्षा दीवार नहीं उठाया गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी सुरक्षा दीवार की कई बार शासन प्रशासन से मांग की, लेकिन सुरक्षा दीवार स्ट्रीट लाइट को लेकर कोई भी जिम्मेदारी यहाँ पर कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं दिखाया। हार्ड टाइम के लिए इस्लामुद्दीन खान, मुम्बरा थाने।